भाई साहब, इतनी बारीकी से आज तक किसी भी फिरंगी ने हम पर दृष्टि नहीं रखी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे यह मालूम पड़ चुका है कि इस क्रांति का नेतृत्व आप कर रही हैं। आपके प्राण खतरे में हैं भाई साहब, और हम आपके प्राणों को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें यह क्रांति की आग जीवित रखनी है भाई साहब। तात्या पे सत्य कह रहे हैं लक्ष्मी बाई, पूरा देश तुमसे आस लगाए बैठा है। भगवान ना करे अगर कल तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक फिरंगी से डर कर हम अपनी क्रांति की गतिविधियां रोक दे, नहीं महारानी सरकार, यह असंभव है। भाई साहब, हम आपको गतिविधियां रोकने के लिए नहीं कह रहे, हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि आप कुछ समय के लिए गतिविधियों को स्थगित कर दीजिए। और रही बात उस यूरोस की, यदि वो झांसी के आसपास भी दिखा तो हम उसे झांसी में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम स्वयं हर द्वार पर निगरानी करेंगे भाई साहब। व्यवधान के लिए क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, रोज मेम साहब आपसे मिलने आई हैं। Excellency, don't feel guilty. Nelson जैसे cruel mentality वाली person की destiny तो तय थी। मैंने तो उसके alive रहते ही खुद को widow मान लिया था। So please, don't feel embarrassed. मैं तो आपसे ये request करने आई थी कि उसकी डेड बॉडी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हमें फ्यूनरल करने के लिए परमिशन दे दीजिए। आफ्टर ऑल आपसे यह तो सीखा है कि हस्बैंड जैसा भी हो हस्बैंड होता है। अवश्य रोज, आपको आपके धार्मिक रीति के अनुसार सब कुछ करने का अधिकार है। सो काइंड ऑफ योर एक्सीलेंसी, बट फॉर ऑल दैट I shall need a priest and a coffin from outside of Jhansi. आप चिंता मत कीजिए, हम आपको सारी व्यवस्था करके देंगे। परंतु आपसे एक अनुरोध है, बुरा मत मानिएगा, आप अंतिम संस्कार झांसी की सीमा के बाहर ही कीजिए। Of course. गुरु श्रीमंत, यह यूरोस का चित्र है। श्रीमंत, यह आपको कहां से प्राप्त हुआ? हमारे मित्र हिल्डरसन काफी अच्छे चित्रकार हैं और वो यूरोस को काफी अच्छी तरह जानते हैं। बस दो घूंट पिलाए और चित्र बनवा लिए। इसका अर्थ यह है कि आपका भेद उन फिरंगियों पे अब तक खुला नहीं है। हाँ, और जब तक ये भेद नहीं खुलता तब तक हम इसी तरह सूचनाएं निकालते रहेंगे। पेट नहीं सीना तान के खड़े रहो, तुम वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई के सैनिक हो, हमेशा सीना तान के खड़े रहो। प्रणाम श्रीमन साहेब, ये लो। ये युगरोज का चित्र है, लेकिन ध्यान रहे भेष बदलने में ये बहुत चतुर है, इसलिए हर व्यक्ति पर सूक्ष्म दृष्टि बनाए रखने की आवश्यकता है। अवश्य श्रीमन साहेब, आप निश्चिंत रहें, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
रुको रुको रुको, द्वार खोलने के आदेश दीजिए महाशय। महारानी साहिबा के आदेश अनुसार मैं पादरी और ताबूत ले आया हूँ। देखो भैया, यहाँ से जांच पड़ताल किए बगैर तुम वहाँ नहीं जा सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है। कहा है your pardon? नहीं, हम कह रहे हैं आपकी दाढ़ी असली है। ये गोरी चमड़ी फिरंगियन से हमारा पूरा विश्वास उठ गया है, इसलिए ठोक बजाई के देख रहे हैं। असली है, असली है, असली है, असली है। आप जा सकते हैं बाबा। आइए 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 आइए। शीघ्र चलो, हमें मंदिर से लौटने के बाद नगर द्वार का निरीक्षण करने भी जाना है। पालकी रोको। प्लीज अनलोड दिस। Go in. चलो। I'll have to put Nelson's body inside the coffin now, so please leave. You'll be called back later. Bless me, Lord, that I succeed in my plan to finish this woman Lakshmi Bai and the mutiny she has started. I want to continue my unbeatable record. Bless me, O Lord. Hey, Maa Durga, hamein shakti de कि हम अपनी धरती के शत्रुओं का नाश कर सके। हमें शक्ति दे मां, शक्ति दे। ताबूत हल्का होता है, उसे उठाने में सैनिक लड़खड़ाते नहीं है। हमें तो पहले से ही आभास था
कि ब्रिटिश सरकार का इतना बड़ा अधिकारी जनरल ह्यू रोज ऐसे ही झांसी में प्रवेश करने की चेष्टा कर सकता है और झांसी में इस प्रकार आने वाले का हम स्वागत नहीं करते। Not so easy, my child. ये फिरंगी अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? ले चलो इसे हमारे साथ। भाई साहब, झांसी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के अपराध में इस फिरंगी को कारागार में डाल देना चाहिए। Your Excellency, I want to say something. आ गया है। You've already recognized me. I am Hugh Rose. झांसी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का आपका उद्देश्य क्या है? अधिकृत रूप से प्रवेश करने का आपका उद्देश्य क्या है? I had the desire to meet you, and I know that an Englishman cannot cross the borders of Jhansi. ये सच नहीं है, मिस्टर ह्यूरोस। झांसी के स्टार फोर्ट में हमारे कई ब्रिटिश मित्र रहते हैं, जिन्हें हमने सुसम्मान के साथ झांसी में रहने की अनुमति दी है। अनुमति केवल उनको नहीं मिलती जो झांसी के शत्रु होते हैं। Then consider me also as a friend. मित्र होते तो शत्रुओं की तरह ही छिप कर झांसी में प्रवेश नहीं करते आप। I was your enemy. I would not have come unarmed. Now when you have recognized me, you must have collected all the information about me. वीरों की पहचान रणभूमि में होती है, मिस्टर ह्यूरोस। आप झांसी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के अपराधी हैं, परंतु फिर भी हम आपको आपका पक्ष रखने का अवसर दे रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसी संदर्भ में बात कीजिए, अन्यथा इस तरह झांसी में प्रवेश करने के लिए आपको I am sorry, Your Excellency. I come with a peace message from Queen Victoria. She feels that whatever has happened here is wrong. A party will be organized on behalf of Her Excellency and for all the princely states of India and the high officials of the East India Company, so that any problems you have with them can be addressed. I can also dismiss the East India Company from London. You must come to the party to make it work. And I also know that if the situation can be controlled peacefully, then you will also want to save innocent lives. So please give me your acceptance so that everyone can reach an agreement. क्षमा कीजिएगा महारानी सर, हमें इन फिरंगियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा महारानी सर, ये लोग कपटी हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भाई साहब, अवश्य इसके पीछे इन फिरंगियों का कोई षड्यंत्र होगा। आ,
यदि बातचीत से समस्या का समाधान होता है तो हमें आपके महारानी का आग्रह स्वीकार। Queen of Jhansi given her acceptance for the party? No, my queen. Abhi tak India se Sir Eros ka koi message nahi aaya. What will be the Queen of Jhansi's answer? Aap kuch aur kehna chahte hain, Mr. Eros? Thank you so much, Your Excellency. This exclusive party on 1st of June will be organized just outside of Jhansi, where the Legion is stationed, which is led by Hamilton, and also Lake Nelson was stationed there. This is because we do not want you to bear traveling inconvenience. Your Excellency, only due to your precious presence in the party, the princes and kings from the surrounding areas will not have any problem. Actually, without them, this peace meeting will be meaningless. Avashya. आप चिंता मत कीजिए, वो सब भी आएंगे। Then it's a date. On that very day, the British generals and all the princes of India and the executives of the East India Company will party together. We will cut a cake to signal the beginning of a new era of Indo-British friendship. राव दुलाजू जी, कर्मा और गौस खान। जी महारानी सर। आप सब क्यों रोज को झांसी के सीमा के पार उनकी सेना तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। बहुत घूर के देख रहा है। इसे हमारे बारे में ब्रिटिश अधिकारियों ने बता दिया क्या? हम विश्राम करने जा रहे हैं। उन्हें जो कुछ भी किया वो ठीक किया ना महाराज। झांसी को बचाने का एकमात्र सुरक्षित उपाय हमें यही लगा। आपके अभूतपूर्व रण कौशल्य से हम पहले से प्रभावित हैं, परंतु आज आपकी कुशल कूटनीति देखकर आश्चर्यचकित हो गए लक्ष्मी। हम जानते हैं कि आपके इस निर्णय पर सारी ओर से उंगलियां उठेंगी, परंतु आप धैर्य रखिए। इसका दीर्घकालीन परिणाम उन्हें बाद में दिखाई देगा, क्योंकि सबके पास आप जैसी दूरदृष्टि नहीं है। योजना बनाना अत्यंत आसान है, परंतु उसे कार्यान्वित करना बहुत कठिन। बहुत से लोग आपको इस निर्णय को बदलने पर विवश करेंगे, परंतु आप तटस्थ रहना लक्ष्मी, और ये गंगाधर तो सदैव आपके साथ है। धन्यवाद महाराज, अब आपने अपनी अनुमति दे दी है तो आपकी लक्ष्मी बाई पूरे संसार से टकराने की इच्छा शक्ति रखती है।